हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव पर। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऐसा टॉपिक जो कि बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखा गया है। जी हाँ, फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, जिसके कारण हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लग जाता है। सो आज हम करेंगे ट्रिक्स टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो ऐसा अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो पहले 2 मिनट तो आप सोचने में ले लोगे कि इसे करना कैसे है, एंड देन फिर आप इसे लेंथी तरीके से निकालना शुरू करोगे। तो इससे अच्छा है कि हम एक ट्रिक सीख लें। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे जो ये बाहर वैल्यूज दी गई है रूट के, उनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ 3, 6, 4, 12, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। उसके बाद हमने रूट, हमारे पास 4 दिए हैं तो कॉमा डाल के 4 बार रूट बना लेने हैं, एंड देन जो हमारा एलसीएम आया है उसे बाहर लिख लेना है, क्योंकि ये हमारा कॉमन हो गया ना, एलसीएम कॉमन होता है। तो यहाँ पे जो अंदर वैल्यूज गिवन है वो एज इट इज अंदर लिखेंगे हम, 4, 15, 6, 245। अब डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है रूट के बाहर वाली वैल्यूज पे। तो यहाँ पे 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। सो अब जो ये बाहर वाली वैल्यूज है वो हमारी पावर बन जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा 4 की पावर 4, 15 की पावर 2, 6 की पावर 3 और 245 की पावर 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 4 होता है 256। फिफ्टीन की पावर स्क्वायर 225, 6 की पावर क्यूब 216 और 245 की पावर 1, 245। तो अब यहाँ पे आप बड़े आसानी से देख के बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट है, बिकॉज ये जो एलसीएम हमने ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास वो है 216, जो कि है, स्मॉलेस्ट को एस लिखूंगी, ये वाला नंबर। तो लार्जेस्ट एल, लार्जेस्ट कौन सा है हमारे पास? लार्जेस्ट है 256 वाला, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे हमने सेकंड्स में निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करके देखते हैं। तो इसमें हमने पहले एलसीएम लेना है 3, 2, 3 का, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को हमने बाहर लिख लिया, अंदर वाली वैल्यूज हमने सेम लिख ली अंदर, और फिर देखा 6 3 के टेबल पे कहां पे आ रहा है? 2 पे। 2 के टेबल पे 3 पे 6 आ रहा है और 3 के टेबल पे 2 पे आ रहा है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर क्यूब, 4 की पावर 2। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 27, 16। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है वो है 2, ये वाला क्यूब रूट, और लार्जेस्ट जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम देख के तो बता नहीं ना सकते थे यहाँ पे कि कौन सा स्मॉलेस्ट होगा और कौन सा लार्जेस्ट होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, पर लेंथी तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने पहले देखनी है इसकी पावर्स, सबकी पावर्स को ऑब्जर्व करना है। सबकी पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए मुझे यहाँ पे 50 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख लिया ऊपर। तो 250 पे 50 कहाँ पे जाएगा? 5 पे जाएगा, 153 पे जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 150, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 50 200। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5, बाहर 50, 3 की पावर 3, बाहर 50, कॉमन है इसलिए बाहर लिख रहे हैं,
की पावर 2 बाहर 50 और 4 की पावर 4 बाहर 50। जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 32 की पावर 50, 27 की पावर 50, 25 की पावर 50 और 256 की पावर 50। तो यहां पे स्मॉलेस्ट 25 यानी कि 5 की पावर 100 और लार्जेस्ट यानी कि 256, 4 की पावर 200। अब इसका एक और तरीका मैं बताती हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो तरीका आपको इससे बेटर लगेगा, तो वो तरीका भी कर लेते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने पावर्स को देखा, यहाँ पे जीरो सब में कॉमन है, जीरो को काट दिया। अब कॉमन क्या बचा, फाइव पे सारे जा रहे हैं, तो ये फाइव पे जा रहा है, ये थ्री पे जा रहा है, ये 5 के टेबल पे 2 पे जा रहा है और ये 5 के टेबल पे 4 पे जा रहा है। तो हमारे पास 2 की पावर 5 बच गई, 3 की पावर 3, 5 की पावर स्क्वायर और 4 की पावर 4। इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 32, 27, 25 और 256 सॉल्व हो गया। स्मॉलेस्ट आ गया हमारे पास ये वाला, यानी कि 5 की पावर 100 और लार्जेस्ट आ गया हमारे पास ये वाला, यानी कि 4 की पावर 200, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कैसे बताओगे, पहले सॉल्व करोगे फिर प्लस करोगे, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो हमने क्या करना है कि रूट एट प्लस फाइव, सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, इनको प्लस करके देखिए कितना बनता है। 8 प्लस 5 13, 7 प्लस 6 13, 10 प्लस 3 13, 11 प्लस 2 13। तो अगर ऐसा बन जाए तो बहुत इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर प्लस करके सेम आ रही है वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22। तो यहां पे स्मॉलेस्ट आ गया हमारे पास ये वाला नंबर, यानी कि 11 प्लस 2 और लार्जेस्ट आ गया हमारे पास ये वाला नंबर, यानी कि 7 प्लस 6। तो कितना टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 माइनस 11, रूट 13 माइनस रूट 11, रूट 7 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस रूट 3 में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना। तो पिछले वाले क्वेश्चन में था प्लस, अब आ गया है माइनस, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें प्लस करके माइनस करके अगर सेम आ रही है वैल्यूज तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, पहले देखोगे माइनस करके कितनी वैल्यू आ रही है, 2, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2। बट अब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पे 5 माइनस 3, राइट? बट इसमें उल्टा है, इसमें ये सबसे छोटे वाला लार्जेस्ट होगा और सबसे बड़े वाला यानी कि ये वाला स्मॉलेस्ट होगा, ये आप देख के बता सकते हो। सो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो प्रॉब्लम रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली और ट्रिक्स के बारे में पता लगता रहे और आप अच्छा स्कोर कर सको। सो थैंक यू सो मच।